हेलो, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या यूट्यूब पे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता होगा आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका और उसका अच्छी तरीके से ट्रोल किया गया, मीम्स बने हैं उस पे। तो इसके रीजन क्या हैं और आदि पुरुष का ट्रेलर सच में इतना बेकार है या अच्छा है, इस बारे में हम सब मिल के बात करेंगे। तो पॉइंट की बात यह है, वैसे नॉर्मली मैं मूवीज के रिव्यू नहीं करता, ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, रिव्यू भी नहीं कह सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें VFX बहुत ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं हम भी VFX में जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसका बजट 500 करोड़ है। सोच सकते हो अपनी कहीं है, और हॉलीवुड में इससे लो बजट में इतनी मूवीज शूट हुई हैं। आप हेल बॉय देख लीजिए या फिर डेडपूल देख लीजिए, और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो इससे कम बजट में शूट हुई हैं और इससे अच्छे VFX के साथ हैं। तो चलो पहले इसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। अगर ये सीन देखा जाए, ये बिल्कुल पता चल रहा है एनिमेशन डाल रखी है इतनी हाई लेवल पे, मतलब इतना एनिमेशन डालने की नीड क्या थी, कुछ रियलिटी नहीं है। आकाश देखिए, अगर आप इस मतलब एनिमेशन इस लेवल पे किया गया है, इतनी स्मूथनेस है चेहरे पे या स्किन पे कह लो, कुछ डिटेलिंग नहीं है, सब कुछ अलग दिख रहा है कि सब एनिमेशन से बनाया गया है। आकाश भाई क्या आकाश है ये? इसे देखो, मुझे हैरी पॉटर जो जो क्या थे उनका नाम मैं भूल गया, दम पिचास, उनकी याद आ रही है। चल न्याय के हाथों तो उतर रहेगा न्याय का सर्वनाश। इसका तो क्या ही कहने। चलो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, ना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे वैसे ही पहले से बहुत लोगों ने कमेंट कर रखे हैं इन चीजों ऊपर। इसके बारे में ये सीन मुझे जब मैंने इसे देखा था मैं बहुत ऐप मान गया, मतलब आप एक कैरेक्टर को पावरफुल प्रेजेंट कर रहे हो चमगादड़ पे बैठा के, सच में इसे क्या सही में मतलब कुछ सोचा भी नहीं है स्टोरी में ज्यादा खास कि आप एक कैरेक्टर को कैसे पावर दिखाओगे। स्टार्टिंग में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रामायण पे बेस है, क्योंकि तो जब आप ये सर देखोगे तब आपको एहसास होगा हाँ शायद ये बेस हो सकती है, उसपे कंफर्म भी नहीं होगा शायद। फिर ये देखो ये इस सीन को देखकर आपने प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी देखी हो उसकी याद आ जाएगी कुछ हद तक, बट उसमें इससे ज्यादा बेटर वो VFX थे, अपने नॉर्मली देख सकते हैं। ये अलग ही एनिमेशन दिख रहा है, ये एनिमेटेड मूवी है या फिर रियलिस्टिक क्या है एक्शन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो क्या है ये भाई, अगर गेम के टीजर्स होते हैं ना उससे ज्यादा बेहतरीन डिटेल में होते हैं, देखोगे। इस देखकर कहीं रियलिस्टिक लग रहा है कहीं से कहीं तक,
मतलब आप 2023 में काम कर रहे हो, आपने अभी ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज निकली है जो इतने अच्छे VFX के बाद, उसकी VFX अलग ही लेवल के हैं, और ये उसके बाद आप ये मूवी दिखाना चाहते हो पब्लिक को कैसे? ये हिस्सा अगर आप, मैं ये हिस्सा, ये सुपरमैन मैन ऑफ स्टील जब आपने देखी होगी मूवी, ये उसका सेम ऐसे सीन होता है सच में। ये टेंपल की कॉपी आपने सुनी होगी लिटरली, क्या मजा ये मुझे इसके हेस्टल समझ नहीं आ रहा क्या सोच के दिखाया बनाया गया था इसमें हेस्टल इस तरीके से। ये वो सीन है अगर जब ये कौन सी मूवी आई थी, एवेंजर एंड गेम, उसमें जब ये सीन आया था भाई ऐसा ही, ये नहीं था, इससे सिमिलर सीन था भाई, गूज बम आ गए थे, इस लेवल पे था वो सीन। देखिए अब वो तो डिपेंड करता है कि हाँ मूवी आएगी तो मूवी को देख के फील आएगा, फील बनता है रियलिटी में, बट कैरेक्टर अगर ऐसे ध्यान से देखा जाए पीछे को तो ऐसे लग रहा है कार्टून में डाल दिया हो, अपने कार्टून डाल दिए हो, लाइट्स का तो हिसाब ही मुझे समझ नहीं आ रहा, सूरज इधर से इधर से है, क्योंकि देखिए अगर ये एरिया देखा जाए यहाँ पे भी सूरज दिख रहा है, तो इस एरिया की ये कैसे इस तरीके से दिख रहा है मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, लाइट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, यहाँ पे सारे कैरेक्टर पे शैडोज तो कहीं दिख नहीं रही इन कैरेक्टर, देखिए इस अगर आप इस पे देखेंगे कैरेक्टर पे दिखेगी ठीक है शैडो, पर इन पे कुछ शैडोज नहीं है खास, मतलब दिखाने की कोशिश की गई है, डार्क करा गया पर इतनी अच्छी शैडोज नहीं दी हुई, और तो क्या ही कहने इसके। बट हमें वेट रहेगा और मैं पर्सनली इस मूवी को देखने बहुत जरूर जाऊंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ी पड़ी है, बिकॉज ये अपने इतिहास के ऊपर है जो हम लोगों से बिलोंग करता है, तो देखना तो बनता है, अब कैसी भी सही, क्या पता ये थोड़ा सा और अच्छा बन प्रेजेंट कर पाए हमें, क्योंकि देखो एक ट्रेलर को देख कर जज करना मूवी को तो वही हो गई कि किसी बुक का जज कर रहे हैं उसके कवर से, पर भी वेट रहेगा उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।